बजट से जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पहले हम बता दें कि एग्जाम में कहाँ से कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है। आप जैसे बैंकिंग का एग्जाम देने जाएंगे तो 50% क्वेश्चन तक पजल टेस्ट से आती है। बैंक पीओ एग्जाम या बैंक क्लर्क एग्जाम देने जाते हैं। आप ऐसे जानते होंगे इंडिया में टफेस्ट सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो रीजनिंग आती है वो बैंक पीओ का ही रीजनिंग आती है। उसमें दो लेवल पे होती है, एक पीटीओ और दूसरा मेंस। आप एमबीए कैट का एग्जाम देने जाएं, सीमैट का एग्जाम देने जाएं, मैट का एग्जाम देने जाएं, तो कैट एग्जाम में भी आप देखेंगे कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन आती है लॉजिकल रीजनिंग से, उसे 50-60% जो क्वेश्चन आती है दैट इज कॉल्ड पजल टेस्ट। ओके, तो मैं आपको बता रहा था पजल टेस्ट में अगर आप बैंकिंग एग्जाम देने जाते हैं इसमें अप टू 50% क्वेश्चंस पजल टेस्ट आएगा। एमबीए एग्जाम में देने जाते हैं, एमबीए कैटमैट एग्जाम्स, इसमें भी अप टू 50% क्वेश्चंस पजल टेस्ट, इससे ज्यादा भी आ सकता है। उसी तरह से क्लैट एग्जाम देने जाएंगे इसमें भी अप टू 50% क्वेश्चन पजल टेस्ट आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है पजल टेस्ट में। एक आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन टेबल्स बेस्ड पूछा जाता है। टेबल्स मतलब आपके पास किस तरह से क्वेश्चन, जिसे हम लोग टेबल ऑफ फॉर्म बोलते हैं। उसमें देखा 6 पर्सन है, 6 अलग अलग कलर का शर्ट पहना हुआ है, 6 अलग अलग सिटीज से आ रहा है। दे देगा ए जो पर्सन है वो रेड कलर का शर्ट नहीं पहना हुआ है लेकिन वो मुजफ्फरपुर से आ रहा है। डी नाम का जो पर्सन है वो पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ लेकिन पटना से नहीं आता है। सी नाम का जो पर्सन है वो दरभंगा से आ रहा है लेकिन व्हाइट कलर का शर्ट नहीं पहना। इस तरह कंडीशन दिया होता है। फिर क्या, कौन व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, कौन पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है, कौन दरभंगा से आ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टेबल ऑफ फॉर्म। इसमें और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बेस्ड ऑन टीम सिलेक्शन होता है, दूसरा चीज होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन तो जानते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन होता है, बेस्ड ऑन ऑप्शन होता है। तो कहते हैं एबीसीडी ऑफ 6 पर्सन है और 3 मेंबर का टीम बनाना है, ए बी के साथ रहेगा, बी सी के साथ नहीं रहेगा, इस तरह कंडीशन कुछ दे देगा। क्या अगर ए का सिलेक्शन करेंगे तो रिमेनिंग 2 मेंबर कौन आ सकता है, दिस इज कॉल्ड टीम सिलेक्शन। इस तरह से ब्लड डिसीजन इसके अंदर आते हैं। ब्लड डिसीजन कहेगा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राधा कहती है वह मेरे भाई का लड़का है, बताओ तस्वीर राधा से कैसे संबंधित है। दूसरा इंग्लिश में भी क्वेश्चन ऐसा देगा, इंट्रोड्यूसिंग अ पिक्चर सीता टेल्स ही द फादर ऑफ माय फादर्स सिस्टर्स, हाउ इज द पिक्चर रिलेटेड टू सीता, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। इसी तरह से इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी क्वेश्चन होती है। क्या देगा 6 पर्सन एक रो में बैठा हुआ है, 6 पर्सन एक रो में बैठा हुआ है, ए लेफ्ट से थर्ड नहीं है, बी राइट से फोर्थ है, बी और ई के बीच में 2 पर्सन है, ऐसा लैंग्वेज देगा। फिर क्या पूछेगा कि लेफ्ट से सेकंड पोजीशन कौन होगा, राइट से फोर्थ पोजीशन कौन होगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ये अलग अलग टाइप क्वेश्चन। तो मैंने बताया जो इसमें क्वेश्चन आती है हमने बता भी दिया आपको, यहीं पर हम लिख के भी बता रहे हैं। एक जो आपको पढ़ना होता है वो फर्स्ट ईयर टेबलर फॉर्म, सेकेंड आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड टीम सिलेक्शन, थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड ब्लड डिसीजन, फोर आपका जो होगा दैट इज कॉल्ड सिटिंग एलिमेंट्स। ओके, ये 4 टाइप का, इसी में आप डाल सकते हैं 5th होता है कॉम्प्रिजन टाइप। कॉम्प्रिजन मतलब आप जानते हो तुलना करना। ये अलग अलग मैं टेबल फॉर्म बता चुका हूँ, टीम सिलेक्शन है, ब्लड डिसीजन है, सिटिंग एलिमेंट है, कॉम्प्रिजन टाइप्स मैं बता चुका हूँ। इसमें 50% तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, पर्टिकुलर सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट हैं, बट बैंक पीओज एग्जाम्स और दूसरा एमबीए एग्जाम आप देने जाते हैं तो पजल टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते भी होंगे लोग हमेशा कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आज तो क्वेश्चन पूछा जाता है केबीसीडी 6 पर्सन एक सर्कल में बैठा हुआ है, सभी कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं, सभी व्यक्ति का प्रोफेशन अलग है और सब एक दूसरे का रिलेटिव भी है। मतलब क्या क्या आ गया भाई, एक सर्किल आ गया उसमें बाहर और अंदर देखने का प्रोफेशंस भी आ गया और रिलेटिव हो गया। क्या देगा ए जो चार्ट अकाउंट के लेफ्ट में थर्ड पोजिशन में नहीं बैठा हुआ है वह बी के फादर है, बी
ई का हस्बैंड नहीं है, इस तरह लैंग्वेज को यूज करता है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आज देखते होंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड। इस क्वेश्चन बनाने के लिए पहले ब्लडेशन का भी आइडिया होना चाहिए, सिटिंग एलिमेंट की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तब आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा टेबल ऑफ फॉर्म। इसी पे हम आपको क्वेश्चन बनाने के बनाएंगे, कैसे आप जल्दी समझ सकते हैं। फर्स्ट टेबल ऑफ फॉर्म, तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मैंने कहा यहां हम डिस्कस करेंगे वो होगा टेबल ऑफ फॉर्म। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बता चुका हूं कि 6% है, अलग अलग प्रोफेशंस है, या 6% है अलग अलग सिटीज में रह रहा है, अलग अलग कलर का शर्ट पहना हुआ। दूसरा दे देगा आपके पास क्वेश्चन, अलग अलग 6% अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, कह देगा थ्री बाइक्स है और उस पर आपको 7% को बैठाना है। ये सब अलग अलग कंडीशन आपके पास क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो पहले हम टेबल ऑफ फॉर्म एक टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, वहां पे हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे आप अटेंड करेंगे और कैसे किसी भी क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व करके बना देंगे, कैसे आप अटेंड करेंगे। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन 1 to 5, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने का आदत डालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, थोड़ा सेंटेंस को पढ़ने का आदत डालेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है 1 to 5, 1 to 5, देखिए क्या है, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्लीज देखेंगे, एक एक लाइन को ब्रेक करके मैं बताऊंगा। 6 friends, हैटल, जयश्री, रोहिणी, मीना, निधि एंड स्वाति स्टे इन डिफरेंट एरिया ऑफ सिटी, दादर, मतुंगा, मुलुंद, विक्रोली, थाने एंड कंजूमर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। समझ में आए, मतलब 6 friends हैं, 6 अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, 6 friends अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, ऑल 6 हैव डिफरेंट हॉबीज व्हिच आर सिंगिंग, डांसिंग, ड्रॉइंग, ट्रेवलिंग, कुकिंग एंड रीडिंग, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। कहता है 6% जो है उसका अलग अलग हॉबीज भी है, अलग अलग हॉबीज भी है। ये दैट इज द मेंशन ऑन द फर्स्ट ग्राफ, किस पैराग्राफ में मेंशन है, दैट इज द मेंशन ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो 6% है, 6% का अलग अलग हॉबीज है और अलग अलग एरिया आते हैं। नेक्स्ट, हैटल स्टे बिक्रोली हर हॉबी नाइदर डांसिंग नॉट रीडिंग। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले 6% का नाम लिख लीजिए, हैटल, जयश्री, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर चल जा रहा है JAYSA जयश्री तो इतना ही चीज को लिखेंगे, बाकी लिखना इट इज द नेम ऑफ द वेस्टिंग ऑफ द टाइम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाना और जल्दी बनाना भी आपके लिए जरूरत होती है, कैसे हम लोग जल्दी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रोहिणी, मीना और स्वाति, हैटल, जयश्री, रोहिणी, मीना, स्वाति और एक निधि भी है, निधि डाल दीजिए, आप कहीं हमने अभी निधि को नीचे लिखा, आप निधि को ऊपर भी लिख सकते हैं, स्वाति को नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज आता है, यहां एरिया लिख देंगे और यहां क्या हो जाएगा, हॉबी, एरिया और हॉबी, जिस आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ के आपके सब कुछ लिखा है, पर्सन का नाम लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है और हॉबी लिखा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ हम लोग देखेंगे, पहले एरिया में, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, हैटल स्टेज इन विक्रोली हर हॉबी नाइदर डांसिंग नॉट रीडिंग। हैटल जो है विक्रोली से है और उसका हॉबी जो है डांसिंग और रीडिंग नहीं है, डांसिंग और रीडिंग नहीं है। हैटल स्टेज विक्रोली, आप जानते एरिया लिखा हुआ है, एरिया में लिख दिए विक्रोली, हर हॉबीज Neither dancing nor reading, कहता इसका हॉबी डांसिंग नहीं है, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं डांसिंग और रीडिंग नहीं है, RED से केवल काम चल गया, रीडिंग लिखा हुआ, इतना ही बात लिखेंगे। हैटल का हॉबी विक्रोली, हैटल कहां से आ रहे हैं, विक्रोली से, उसका हॉबी क्या नहीं है, डांसिंग और रीडिंग नहीं है, DANCI कोड डाले, डांसिंग, RED रीडिंग नहीं है, इतना ही कोड करके छोड़ दिए। ओके, तो इसका हॉबी नहीं होगा, इसका मतलब रिमेनिंग किसी का हॉबी होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, The one whose hobbies is traveling stay in Mulund. कहता जिसका हॉबी ट्रेवलिंग है वो मुलुंद में रह रहा है। आप तो कहेंगे ट्रेवलिंग इनका भी हॉबी हो सकता है, इनका भी हॉबी हो सकता है, मुलुंद यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, पता नहीं कहाँ आएगा, तो जो यहाँ पे बैठ नहीं पाए उसके बगल में लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, मुलुंद और ट्रेवलिंग, यहाँ लिख दिए मुलुंद और ट्रेवलिंग। इसके हम लोग आगे यूज करें, मैं बार बार कर रहा हूँ, TARV ये कोड हो गया ट्रेवलिंग का। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन,
जयश्री हॉबी ड्रॉइंग सिडंक स्टे इन दादर मतुंगा, जयश्री का हॉबी ड्रॉइंग है और कहाँ नहीं रह रही है, दादर मतुंगा में नहीं रह रही है, जयश्री का हॉबी ड्रॉइंग होगा, जयश्री यहाँ हॉबी यहाँ लिखते हैं इसलिए ड्रॉइंग, जयश्री का हॉबी ड्रॉइंग है और सिडंक स्टे दादर मतुंगा, जयश्री दादर में नहीं रहेगी और मतुंगा में नहीं रहेगी, MATU ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, मतुंगा में नहीं रहेगी, ये काट दीजिए इसी जगह पे, जयश्री दादर में नहीं रहेगी और मतुंगा में नहीं रहेगी, यहाँ पे काट दिए, मतलब ये दोनों जगह नहीं होगा, क्या लेगा ये आगे, मतुंगा ये नहीं लेंगे दादर, तो दादर मतुंगा इन दोनों में से इस समय कोई लेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मीना स्टेज इन कजुमर, कजुमर में मीना रहेगी तो मीना यहाँ है, कजुमर डाल दीजिए, हो गया मीना कजुमर है, एंड हर हॉबी इज कुकिंग, हॉबी क्या है इसका, कुकिंग, ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रोहिणी लाइक्स रीडिंग बट सी, प्लीज आप लोग यहां देखने का आदत डालेंगे, एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओके रोहिणी लाइक्स रीडिंग बट सी एंड निधि डू नॉट स्टे इन मतुंगा, रोहिणी लाइक्स रीडिंग, रोहिणी यहां पे है, रोहिणी लाइक्स रीडिंग, रीडिंग लेगी तो यहां रीडिंग हो जाएगा, सी सी किसके लिए आया, रोहिणी के लिए, सी निधि डू नॉट स्टे इन मतुंगा, रोहिणी और निधि मतुंगा में नहीं रहती है, रोहिणी और निधि मतुंगा में नहीं रहेगी, यही मतुंगा लेके काट दीजिए, मतुंगा नहीं लेगी और निधि भी मतुंगा नहीं लेगी, काट दीजिए, सो ऑटोमेटिकली यू कैन थिंक्स, आपके पास देख रहे हैं मतुंगा जयश्री ले नहीं रही है, रोहिणी मतुंगा ले नहीं रही है, देखिए जिसके बाद नेगेटिव ज्यादा है उसको पकड़िए, मतुंगा ये नहीं ले रही, मतुंगा ये नहीं ले रही है और ये नहीं, मतलब कौन कौन ने ली, जयश्री रोहिणी और निधि ने ली, तो ये जयश्री रोहिणी और निधि ने लेगी तो कौन लेगी भाई, स्वाति, क्योंकि इनका ऑलरेडी ये दूसरे स्थिति को ले रहे हैं, ये दूसरे स्थिति को ले रहे हैं, और जयश्री रोहिणी और निधि ने लेगी तो कौन लेगी, स्वाति, मतुंगा यहां लिख दीजिए, स्वाति यूज कर लिए, काट दीजिए मतुंगा, ओके मतुंगा यहां पे लिख दिए, अब थोड़ा आगे देखेंगे इसको, जैसे यूज किए तो रीडिंग है, रीडिंग यहां निकल गया, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मुलुंद क्या है भाई, मुलुंद क्या होगा, ट्रेवलिंग, मुलुंद एम फॉर मतुंगा, एम फॉर मुलुंद का सतर्क रहिए, MATU था, MUL था, मुलुंद ट्रेवलिंग है, मुलुंद यहां नहीं आ सकता, क्यों विक्रो रही है, मुलुंद यहां भी नहीं आ सकता है कि मुलुंद ट्रेवलिंग लेता है जब ये ड्रॉइंग ले चुका है, मुलुंद यहां नहीं आ सकता क्यों रीडिंग ले, रीडिंग ये ले रहा है इसलिए मुलुंद यहां नहीं आएगा, मुलुंद यहां इस टाउन से नहीं होगा, मुलुंद इस टाउन से नहीं, मुलुंद कौन होगा, निधि, फिर रिपीट कर रहे हैं, हैटल मुलुंद, हैटल क्या होगा, मुलुंद टाउन से नहीं होगा, जयश्री मुलुंद से नहीं होगा, रोहिणी मुलुंद से नहीं होगा, मीना नहीं हो सकती है, स्वाति नहीं हो सकती है, कौन होगी, निधि मुलुंद से होगी, तो यू कैन राइट एटियस मुलुंद, MULUND मुलुंद, और क्या है ट्रेवलिंग, इसको यूज कर लिए, काट दीजिए, अब लास्ट में इसका यूज कर लिए, अब थोड़ा देखिएगा डांसिंग ये नहीं लेगा, तो देखिए अब तो सब डांसिंग, और देखिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, डांसिंग ने डांसिंग इसको लेना पड़ेगा, डांसिंग यहां लेना पड़ेगा, एक डांसिंग ये नहीं लेंगे तो इनको लेना पड़ेगा, डांसिंग यहां रख दीजिए, अब फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ, एक क्या हॉबी क्या बच गया, एक ही हॉबी चाहिए बचा हुआ, क्या हॉबी बचा हुआ भाई, तो आपने देखा कि डांसिंग ड्राइंग ट्रेवलिंग कुकिंग एक बचा, कुकिंग देखिए कुकिंग यूज कर चुके हैं, देखिए सिंगिंग बचा हुआ आपके पास, सिंगिंग, सिंगिंग ये सब नहीं लिया है, तो ये बच गया, कौन लिया, सिंगिंग, अब देखिए दादर ये नहीं रहेगा, तो दादर देखिए और कोई लिया नहीं है, दादर दादर यहां नहीं आएगा, दादर यहां आ जाएगा, इसका देखिए एक टाउन बचा होगा जो ये लेंगे, कौन, जयश्री, जयश्री कौन सा टाउन बचा है, देखिए आपने जो देखा टाउन का नाम है दादर मतुंगा मुलुंद विक्रोली थाने, थाने देखिए इसमें यूज नहीं हुआ, थाने इसमें यूज नहीं हुआ, थाने यहां आ जाएगा, क्वेश्चन बन के तैयार, देखिए अब ये पूरे इंस्ट्रक्शन को हम लोग किए, थोड़ा दिमाग हम लोग लगाए, अब क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन क्या है भाई, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज स्वाति हॉबी, स्वाति का हॉबी क्या होगा, स्वाति का हॉबी पूछा गया, स्वाति है, स्वाति का हॉबी क्या होगा, डांसिंग, डांसिंग हॉबी होगा स्वाति का, आंसर कौन हुआ, बी, सेकंड हू जो हॉबी सिंगिंग, सिंगिंग किसका हॉबी है, सिंगिंग किसका हॉबी है, हैटल का, हैटल देखिए कौन सा ऑप्शन है, हैटल, हैटल आपके पास सेकंड का डी ऑप्शन है, प्लीज आप लोग यहां क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हू जो हॉबी इज ट्रेवलिंग, किसका हॉबी ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग 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 किसका हॉबी है, निधि का, तो निधि का हॉबी है, थर्ड कैसी, फोर्थ,
वे डज जयश्री स्टे, जयश्री कहां रह रही है, जयश्री 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 कहां रह रही है भाई, थाने में, थाने कौन सा ऑप्शन है, फोर का ए। क्वेश्चन फाइव, वे डज रोनी स्टे, रोनी कहां रह रही है, रोनी को पकड़ेंगे, रोनी कहां रह रही है भाई, दादर में, रोनी कहां रह रही है, दादर में, ऑप्शन जो आपके पास है फाइव का डी, 1 to 5 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 6 to 8, क्वेश्चन 6 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सिक्स टू एट, अभी जो क्वेश्चन हम आपके बीच डिस्कस करेंगे वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, डेवलप हमें पूछा जाता है, वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लोर, फ्लोर का काउंट आप सभी लोग जानते हैं नीचे से होता है 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहां कहेगा 6 फ्लोर पर बैठा हो तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर वो रैंक होता फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होता तो फर्स्ट रैंक होता ऊपर, सेकंड रैंक ये, थर्ड रैंक ये, फोर्थ है, तो फ्लोर काम हमेशा बॉटम से होता है, 1 2 3 4 5 6, इस वाला अगर टाइप का क्वेश्चन पूछा था, कहते सेकंड फ्लोर पर नहीं है, बी थर्ड फ्लोर पर, ऐसा सिक्स पर्सन है अलग अलग फ्लोर पर बैठा हो उसका प्रोफेशन भी अलग अलग, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आप बनाएंगे, देखिए यहां पे देखेंगे, फिर आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखेंगे इंस्ट्रक्शन को, क्वेश्चन 6 to 8, इन अ 6-story बिल्डिंग द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन सच दैट टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6, समझ में आए, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, इस तरह 2 और टॉप मोस्ट फ्लोर को क्या कहते हैं 6, आगे 1 आउट ऑफ द 6 पीपल That is A B C D E F lives on each floor. मतलब 6 person है, उसे एक एक व्यक्ति हर एक फ्लोर पर क्या कर रहा है, रह रहा है। No one lives between C and F. C और F के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अब इस तरह अलग अलग कंडीशन है, सबसे पहले क्या कीजिए, 6 person, 1 2 3 4 5 और 6 person, ये person का लगते हैं, person का नाम, आपको पता है person कौन है, A B, C, D, E और F, आप इसे लिख भी सकते, ये लिखने से बेनिफिट होगा कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए लिखा हुआ था नो वन लिव्स बिटवीन C एंड F, अब आपको पता नहीं है C F कहाँ है, अभी बगल में लिखिए, मैंने बताया जो बात यहाँ बैठ नहीं पाए उसके बगल में लिखिए, C और F के बीच कोई नहीं रहेगा, C यहाँ पे, F यहाँ पे, तो F यहाँ पे, C यहाँ पे, कहिएगा आप ऐसा क्यों लिखे, ये तो ठीक है कि ये 6 फ्लोर पर होगा तो ये 5th फ्लोर पर होगा, ये 5th फ्लोर पर होगा ये तो 4th फ्लोर पर होगा, बट मुझे पता नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो हमने क्या सोचा, C यहाँ पे होगा तो F यहाँ पे, F यहाँ पे होगा तो C यहाँ पे, मतलब ये दोनों का फ्लोर जो है लगातार, लेकिन कौन ऊपर है कौन नीचे है ये हम लोग को पता नहीं है, जब हमको मालूम नहीं होता है तो हर एक पॉसिबिलिटी को डाउन करते हैं, तो एक हुआ C यहाँ होगा तो F यहाँ पे, F यहाँ होगा तो C यहाँ पे, आगे बढ़िए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन व्हिच ए एंड डी लिव, ए और डी के बीच 2 फ्लोर होगा तो आप कहेंगे ए यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बगल में लिख दीजिए, ए और डी के बीच 2 फ्लोर है, ए डी 1 2 फ्लोर और यहाँ कौन होगा, डी और ए, हो गया, ए और डी के 2 फ्लोर है, ए यहाँ पे तो डी यहाँ पे, डी यहाँ होगा तो ए यहाँ पे, आगे बढ़िए, ए लिव्स ऑन फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन व्हिच डी लिव्स, ए जो रह रहा है वो डी से ऊपर आता है, ऑटोमेटिकली ए ऊपर रहेगा डी से, देखिए अगर नेक्स्ट लाइन हुआ इसीलिए यूज किया, नहीं तो जितना दिया गया तो उसे ए यहां होगा तो डी यहां पे, ए डी होगा यहां पे ए, लेकिन लिखा ए लिव्स ऑन द फ्लोर, ऑन फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन व्हिच डी लिव्स, ए डी से ऊपर होगा, ए यहां लिख दिए, डी यहां लिख दिए, डी और ए यहां कैंसिल, ए डी से ऊपर है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ए लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर, ये किस पर आ रहा है भाई, ऑड नंबर फ्लोर पे, ऑड नंबर फ्लोर कौन है, 1 या 3 या 5, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, 3 दिमाग में आपके आ चुका होगा, ई 1 पे भी रह सकता है, 3 पे भी रह सकता है और 5 पे भी, सबसे अच्छा होता है तीनों पॉसिबिलिटी को डाउन कर लीजिए, तीनों पॉसिबिलिटी को डाउन करने से हमारा इस पर स्ट्रेस कम पड़ जाएगा, सामने लिखा हुआ तो क्या करेंगे भाई, तीनों पॉसिबिलिटी को डाउन कर लीजिए, ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी और थर्ड पॉसिबिलिटी, देखिए ई ऑड फ्लोर पर रह रहा है तो ई क्या होगा भाई, ई ऑड फ्लोर पर रहेगा तो ई 1 पे आ सकता है या 3 पे आ सकता है या 5 पे आ सकता है, नेक्स्ट एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन प्लीज यहां देखने की कोशिश करेंगे,
बी डेंट लिव ऑन एनी फ्लोर ऑन ए फ्लोर इमिडिएटली अबव और बिलो ईच फ्लोर, मतलब इमिडिएटली मतलब तुरंत, मतलब बी जो होगा ई के जस्ट ऊपर नहीं होगा और ई के जस्ट नीचे नहीं होगा, बी ई के जस्ट ऊपर नहीं होगा और ई के जस्ट नीचे नहीं होगा. सो यू कैन टेल ई यहां पे है तो बी इस प्लेस पर नहीं आ सकता और बी इस प्लेस पर नहीं आ सकता, ये दोनों जगह पे बी कभी भी नहीं आ सकता है. अब यहां डाल दिए, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है. देखिए सी एफ लगातार है, आपके यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है. बी और डी के बीच कितना फ्लोर है, दो फ्लोर है. थोड़ा सोचिएगा, हम कलर थोड़ा पेन को चेंज कर देते हैं आपको समझने के लिए. ए और डी के बीच दो फ्लोर है तो देखिए आप मुझे कहेंगे डी ए डी यहां रखते हैं तो ए यहां आ सकता है, डी यहां रखेंगे ए यहां आएगा. देखिए डी ए अगर यहां रखते हैं ए और डी तो सी एफ लगातार दो फ्लोर सी होगा, उसी में बी आ जाएगा यहां पे और ई से जस्ट ऊपर नीचे बी नहीं होगा, इसका मतलब बी यहां पे रहेगा तो आपके पास ये पॉसिबल में सही हो जाएगा. बट अगर इसको हटा के ए और डी अगर रखते हैं ऐसा तब तो सी और एफ यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा जो स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देगा. क्या स्टेटमेंट रॉन्ग करेगा, ई से जस्ट ऊपर कौन नहीं होगा, बी नहीं होगा. तो बी अगर ए डी यहां रखते हैं तो सी एफ यहां आ जाएगा, एफ सी यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट को क्या करेगा, रॉन्ग कर देगा, क्योंकि ई से ऊपर कौन होगा, बी. इसका मतलब ये क्या बन गया, गलत, ये आपका गलत बन गया. तो पहले वाला था सही था, डी यहां पे 1 2 यहां कौन आ जाएगा, ए. ऑटोमेटिक सी एफ लगातार चाहिए, सी एफ एफ सी यहां कौन हो जाएगा, बी. ठीक है, ये बन के तैयार. देखिए अभी हम तक यहां डाउटफुल है कौन ऊपर और कौन नीचे होगा, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ये फुलफिल कर दिया सभी कंडीशन. जो फोर्थ फ्लोर पे कौन आएगा, सी और एफ. अब आप देखेंगे ये सही है कि गलत है. देखिए ए और डी के बीच में दो फ्लोर, आप मुझे कहेंगे कि आप डी यहां रख सकते हैं 1 2 ए यहां रख सकते हैं, डी यहां रखते हैं 1 2 ए यहां रखते हैं. देखिए डी यहां रखते हैं 1 2 ए यहां रखते हैं, उसी में सी एफ यहां आएगा, एफ सी और बी यहां आएगा. स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, क्या रॉन्ग हो गया भाई, ई से जस्ट ऊपर और नीचे बी नहीं होना चाहिए, बी जब नीचे हो गया इसका मतलब ये क्या बन गया, गलत. अब दूसरा सेकंड पॉसिबिलिटी, आप कहेंगे डी यहां पर रख सकते हैं 1 2 ए यहां रख सकते हैं, तो सी एफ, सी एफ आपके पास, देखिए सी एफ के लिए लगातार कोई जगह खाली नहीं है, इसका मतलब ये जो हुआ गया वो क्या बन गया, गलत. मतलब इसका मतलब ई थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकता, ई थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकता. अब देखिए फिफ्थ फ्लोर पे रख रहे हैं, देखिए ई यहां पे ए और डी, आप ए यहां रखेंगे 1 2 यहां कौन होगा, डी. उसी में आप देखेंगे सी एफ लगातार, सी एफ यहां आ जाएगा तो यहां कौन आएगा, बी. जो स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देगा, सी एफ लगातार होगा यहां आ जाएगा, बी यहां आएगा जो स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देगा, इसका ए डी यहां नहीं आएगा. अब देखिए ए ए डी, आप कहें ए और डी यहां आ सकता है, ए और डी ऐसा होगा सी एफ यहां आ जाएगा, बी यहां आएगा, तब सी एफ यहां, सी एफ एफ सी यहां आएगा, तो यहां कौन आ जाएगा, बी. और बी ई से जस्ट अबव नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी गलत. इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ई कभी भी फिफ्थ फ्लोर पे नहीं हो सकता है, ई कभी भी थर्ड फ्लोर पे नहीं हो सकता, ई किस फ्लोर पे होगा, फर्स्ट फ्लोर पे. तो तीनों जगह ई ऑड फ्लोर पे था, फर्स्ट पे थर्ड पे और फिफ्थ पे सोचे थे, ये दोनों गलत हो चुका, ये क्या हुआ, सही हुआ. अब आपका बन गया, आप इसके बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे. ये डाउटफुल लग गया, मतलब थर्ड फ्लोर पे कौन होगा, एफ और सी में से कोई होगा, फोर्थ फ्लोर पे कौन होगा, एफ और सी में से कोई होगा. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ये बन के तैयार, इसका यूज कर चुके हैं, अब काट दीजिए, काटना चाहते हैं काट कटा दीजिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन 6 है, हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, कहता है कौन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, ई. तो आंसर हो गया 6 का ए, देख लेंगे ऑप्शन को 7. फिर था ए लिव, ए कहां रहता है, एक देखिए एक किस फ्लोर पे रह रहा है भाई, फिफ्थ फ्लोर पे ना, देख लीजिए 7 क्वेश्चन का, फिफ्थ फ्लोर पे ना, 7 का आंसर क्या हुआ, सी. Who lives immediately above this floor? D से ऊपर कौन रह रहा है? D से immediately above ना? D से just above कौन होगा? F और C. D से above कौन होगा? F और C. दोनों में से कोई एक आएगा, पता नहीं कौन आएगा. तो देखिए D से above कौन होगा? F और C ऑप्शन में नहीं है. पहला ऑप्शन A है, सेकेंड ऑप्शन B है, सेकेंड ऑप्शन C है, थर्ड ऑप्शन F है, फोर्थ ऑप्शन B है एंड लास्ट ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड है. एक से ज्यादा पॉसिबल को ही कांट बी डिटरमाइंड कहते हैं. इसे आंसर इसका क्या होगा, E. एट का आंसर E. हो गया. नेक्स्ट, तो 6 to 8 भी क्वेश्चन मैंने दिखा दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 9 to 13.
अभी हम जो बता रहे हैं टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था टेबुलर फॉर्म, उसी के बेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक टाइप का फर्स्ट टाइप का दिखा दिया, सेकंड फ्लोर टाइप का दिखा दिया, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन। देखिए थर्ड टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने बताया भी था कि दे देगा कि आपके पास 3 बाइक्स और 7% को बैठाना है, कहते हैं प्रत्येक बाइक पर कम से कम 2% बैठेंगे, क्या देगा कि भाई ए बी के साथ नहीं बैठेगा, बी सी के साथ नहीं, सी केवल डी के साथ बैठेगा, ये कंडीशन देगा। फर्स्ट बाइक पर कौन कौन से लोग बैठेंगे, सेकेंड बाइक पर कौन कौन से लोग बैठेंगे, ये कंडीशन देता है। तो एक नंबर ऑफ बाइक्स कम हुआ और पर्सन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। दे देगा 4 कॉलेजेस हैं और 7% कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो कॉलेज कम दिया और स्टूडेंट क्या किया, ज्यादा बढ़ा दिया। एक नंबर कम होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहां पे आप देखने का आधार डालेंगे, बी सी डी एफ एच एंड जे आर गिवन स्टूडेंट स्टडिंग इन सी कॉलेज पी क्यू आर, मतलब समझ में आए, बी सी डी एफ जी एच जे। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं कितना है, बी सी डी एफ जी एच जे, 1 2 3 4 5 6, कितना स्टूडेंट है भाई, 7 स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव एग्जाम, एस टी यू डी से स्टूडेंट काम चल गया, पूरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे गिवन स्टूडेंट थ्री कॉलेज पी का, दे आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इसमें 3 बॉयज और क्या है, 4 गर्ल्स है, दे आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 7 स्टूडेंट में 3 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, 7 स्टूडेंट 3 बॉयज और 4 गर्ल्स है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, there are at least one boy and one girl in such college, प्रत्येक कॉलेज में क्या है, at least one boys and one girls है, और आपके पास यहाँ पहले से लिखा हुआ था 3 कॉलेज पी क्यू आर है। अब देखिए कॉलेज मेरे पास 3 और स्टूडेंट कितना, 7, 3 कॉलेज है, स्टूडेंट कितना है, 7, नंबर कौन छोटा है, कॉलेज, तो कॉलेज को पकड़िए, कौन कौन कॉलेज है, एक पी कॉलेज, एक क्यू कॉलेज और एक आर कॉलेज, ये बनाने के लिए ऐसा लिख दीजिए, पी कॉलेज, क्यू कॉलेज, आर कॉलेज, नंबर कॉलेज का कम था इसे कॉलेज को पकड़े, जो स्टूडेंट्स इसमें आएगा इस कॉलेज में इसको यहां लिखेंगे, जो इस कॉलेज में आएगा इसको यहां लिखेंगे, जो इस कॉलेज में आएगा यहां लिखेंगे, आपका यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लीज पढ़ने का आदर डालेंगे। नेक्स्ट, दे आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, दे आर एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल इन सच कॉलेज, प्रत्येक कॉलेज में करा एक बॉयज और एक गर्ल्स कम से कम होगा, एक बॉयज एक गर्ल्स, बी फॉर बॉयज जी फॉर गर्ल्स, यहां भी एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स। अब थोड़ा यू हैव टू थिंक द लॉजिक, थोड़ा तर्क ताकि से सोचने का आदर डालेंगे, आप कहेंगे दो लोग यहां पे, कितना लोग हुआ, 6%, जबकि पर्सन कितना है मेरे पास, 7, लेकिन लैंग्वेज क्या है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, इसका 7% जो है उसमें कैसा होगा, 2 2 प्लस 3 2 प्लस 2 प्लस 3, मतलब एक ऐसा कॉलेज होगा वो पी कॉलेज हो सकता है या क्यू कॉलेज हो सकता है या आर कॉलेज हो सकता है, जिसमें कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, मतलब एक कॉलेज ऐसा होगा जिसमें 3 लोग होंगे, कैसे आप समझे, वहां एटलीस्ट लिखा हुआ है और टोटल पर्सन आपके पास 7 है। अब देखिए बॉयज आपके पास 3 है, क्लियर होगा, एक बॉयज यहाँ पे, एक बॉयज यहाँ पे, यहाँ पे, गर्ल्स आपके पास 4 है, एक गर्ल्स यहाँ पे, एक गर्ल्स यहाँ पे, एक गर्ल्स यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा गर्ल्स इसमें बढ़ सकती है या इसमें बढ़ सकती है या इसमें बढ़ सकती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या लिखा भाई, 3 ऑफ देम आर इन कॉमर्स डिसिप्लिन, 2 आर्ट्स एंड साइंस, तरह की इस 7 स्टूडेंट जो है, ध्यान देंगे इस 7 स्टूडेंट जो है, इसमें 3 लोग क्या है, कॉमर्स से, COMM कॉमर्स, 2 किसे हैं, आर्ट से, और 2 लोग किसे हैं, साइंस, 3 कॉमर्स 2 आर्ट्स और 2 क्या है, साइंस। अब देखेंगे इसमें लैंग्वेज आगे क्या लिखा हुआ है, बी लैंग्वेज पर एकदम ध्यान देना है, बी एंड हर, हर बी एंड हर मतलब बी फीमेल हो गया, बी क्या हो गया, फीमेल, बी एंड हर सिस्टर जी आर साइंस डिसिप्लिन बट इन डिफरेंट कॉलेज, बी और उसकी बहन जी जो है वो दोनों का दोनों साइंस डिसिप्लिन, बी भी फीमेल और उसकी बहन भी फीमेल, तो यहां पे पता नहीं किस कॉलेज, यहां पे बगल में लिखे बी फीमेल है और उसकी बहन जी भी क्या है, फीमेल है, दोनों का दोनों किस डिसिप्लिन से है, साइंस से, बट इन डिफरेंट कॉलेज, क्या है, अलग अलग कॉलेज में, डिफरेंट कॉलेज, इस लैंग्वेज का मतलब क्या, डी डिफरेंट कॉलेज मतलब
इस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि बी अगर पी कॉलेज में होगा तो जी कभी पी कॉलेज में नहीं हो सकता, क्यू और आर में से कहीं होगा। बी अगर क्यू कॉलेज में होगा तो जी कभी क्यू कॉलेज में नहीं हो सकता, पी और आर में से कहीं आएगा। बी अगर आर कॉलेज में होगा तो जी पी और क्यू में से कोई होगा, मतलब दोनों बी और जी सेम कॉलेज से नहीं होगा, लेकिन दोनों क्या चीज का होगा, साइंस बैकग्राउंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SCIEN, ये साइंस। तो साइंस आपके पास निकल गया, क्यों निकल गया भाई, साइंस 2% लेंगे और 2% कौन ले लिया, बी और जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू, ही डजेंट स्टडी विथ इधर जे और सी। एफ स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज क्यू, ही डजेंट स्टडी विथ इधर जे और सी। एफ आर्ट्स क्या है, कॉलेज क्यू में, और क्या स्टडी, ही डजेंट स्टडी विथ इधर जे और सी, किसके साथ स्टडी नहीं कर रहा है, जे और सी के साथ। तो एफ स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज क्यू, ध्यान देंगे एफ स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज, यही लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है। एफ स्टडीज आर्ट्स, एफ स्टडी आर्ट्स इन कॉलेज क्यों, ही डजेंट स्टडी विथ इधर जे और सी, किसके साथ स्टडी नहीं करेगा, जे और सी के साथ। तो ही मतलब एफ मेल, जे और सी के साथ स्टडी नहीं करेगा, बगल में लिख दीजिए एफ जे और सी के साथ स्टडी नहीं करेगा। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब यह हुआ, ये ऑब्लिक का साइन है। एफ अगर क्यू कॉलेज में होगा तो जे और सी उसके साथ नहीं होगा, जे और सी से एक साथ सेम कॉलेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कहीं लिखा होगा जे और सी साथ होगा, मतलब एफ यहां होगा तो जे यहां आ सकता है, सी यहां आ सकता है, सी यहां आ सकता है, जे यहां आ सकता है, या जे सी एक साथ यहां आ सकता है, जे सी यहां एक साथ आ सकता है। लैंग्वेज का मतलब बहुत जरूरी है समझना, जिसे हम लोग लॉजिक रीजनिंग क्या है, लॉजिक, लॉजिक मतलब तार्किक समझना, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो एफ स्टडी इन आर्ट्स इन कॉलेज को, हिडन स्टडी विथ जे और सी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट बढ़िए, डी इज नॉट इन कॉमर्स, डी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, तो डी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं होगा तो किस चीज का स्टूडेंट होगा, आर्ट्स का, बिकॉज साइंस तो निकल चुका है। डी नॉट इन कॉमर्स, डी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हुआ तो किस चीज का स्टूडेंट होगा, आर्ट्स का। अंडरस्टूड, डी नॉट इन कॉमर्स मतलब डी द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। आगे क्या लिखा है, डी नॉट इन कॉमर्स, ही मतलब डी क्या हो गया, मेल, ही मतलब डी मेल। He studies in college आर ओनली विथ, ओनली विथ मतलब केवल, मतलब डी जिस कॉलेज में है, मतलब आर कॉलेज में, उसके साथ केवल कौन है, बी है। तो देखिए आर कॉलेज में ना डी यहां हो गया, डी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, वह केवल बी के साथ है, तो ये दोनों केवल होगा, ये घेर दिए। अब देखिए आपको आसानी से पता है, सबको पता है कि हर एक कॉलेज में एक मेल और फीमेल होगा, एक बॉयज होगा एक गर्ल्स होगा, तो ये प्लस हो गया तो माइनस क्या होगा, गर्ल्स। प्लस इंट्रोड्यूस करता है मेल के बारे में, माइनस इंट्रोड्यूस करेगा फीमेल के बारे में, और कुछ नहीं सेक्स लिखेंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब क्लियर नहीं है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो एफ डी हो गया आर्ट्स, ओके, और डी केवल बी के साथ होगा, हर एक कॉलेज में एक बॉयज एक गर्ल्स होगा, इसे प्लस, तो ये क्या हुआ, माइनस। अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, एफ किसके साथ नहीं रहेगा, इको रिलेटेड है, क्योंकि यहां देखा एफ किसके साथ नहीं रहेगा, जी और सी के साथ। एफ जी और सी के साथ नहीं रहेगा, जेसी यहां नहीं आ सकता है, जेसी यहां नहीं आ सकता है क्योंकि डी और बी केबल है। तो क्यू आर कॉलेज में जेसी को आने नहीं दीजिएगा, क्यू कॉलेज में आने दीजिएगा, तो किस कॉलेज में आएगा, पी कॉलेज में, इसलिए जी और सी इस कॉलेज में होगा। ये स्टेटमेंट को यूज करिए, काट दीजिए, बी क्या है भाई, साइंस, बी क्या है, साइंस, इसको साइंस दे दीजिए, हो गया। तो बी यहां से खत्म, अब क्या बचा, जी, जी साइंस लिया, बट जी इस कॉलेज में भी आ सकती है, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, जी इस कॉलेज में आ सकती है, पी कॉलेज में भी और क्यू कॉलेज में भी। अब लैंग्वेज आगे पढ़िए, आगे यहां पे प्लीज पढ़ने का आदर डालेंगे, लिखा हुआ है ऑल द थ्री फ्रॉम कॉमर्स डिसिप्लिन डू नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज, तीनों कॉमर्स वाले जो हैं वो सेम कॉलेज में नहीं होंगे। इसका मतलब लैंग्वेज का मतलब क्या है, दो कॉमर्स वाले एक साथ हो सकते हैं और एक अलग होंगे, या तीन कॉमर्स वाले सेम कॉलेज में नहीं रहेंगे, इसका मतलब एक एक स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज में होंगे। इस लैंग्वेज का दो मतलब है, तीन कॉमर्स वाले एक साथ नहीं रहेंगे, इसका दो कॉमर्स वाले एक साथ रह सकते हैं, एक अलग हो सकते हैं, या तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों कॉमर्स वाले एक साथ नहीं होंगे तो आसानी से मुझे आप कहेंगे कि यहां कॉमर्स तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ कॉमर्स यहां आएगा, कुछ कॉमर्स यहां आएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं आर्ट्स तो निकल गया, क्यों आर्ट्स निकल गया, आर्ट्स दो व्यक्ति लिया हो एफ और डी, इसका ये क्या हो गया कॉमर्स, ये भी क्या हुआ कॉमर्स, ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एस स्टडीज इन द सेम कॉलेज विथ हर, हम लोग रुक जा रहे हैं कि आपको समझ में आए क्या लैंग्वेज, एस स्टडीज सेम कॉलेज विथ हर,
हर किसके लिए आया, एच के लिए। एच क्या हो गया, फीमेल, विथ हर फ्रेंड जी। एच उस कॉलेज में जिस कॉलेज में उसकी फ्रेंड जी पढ़ रही है, एच और जी सेम कॉलेज में होगा, एच जी यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा, जे और सी पहले से एच जी यहाँ रखेंगे तो चार व्यक्ति हो जाएगा टीम में जो रॉन्ग कर देगा इस सेगमेंट को। जे सी यहाँ पे एच जी यहाँ रखेंगे तो चार पर्सन हो जाएगा। एच जी यहाँ नहीं होगा इस कॉलेज में होगा, इसे एच और जी, एच भी फीमेल जी भी फीमेल। ओके, जी क्या है, साइंस। एच क्या होगा, कॉमर्स। हो गया, बन गए थे यार। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। इन व्हिच कॉलेज डू ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स स्टडी, किस कॉलेज में केवल कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, केवल कॉमर्स वाले। तो केवल कॉमर्स वाले किस कॉलेज में भाई, पी कॉलेज में। किस कॉलेज में, पी कॉलेज में। तो ऑप्शन ए और 9 का कौन सा ऑप्शन है, ए। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, इफ सी एंड बी इंटरचेंज देयर कॉलेज। इफ मतलब क्या होता है भाई, इफ सी एंड बी इंटरचेंज कॉलेज, इफ मतलब इंटरचेंज करना, सी और बी इंटरचेंज, सी बी के जगह पे चला जाएगा, बी सी के जगह पे आ जाएगा। तो सी और बी इंटरचेंज करेगा कॉलेज को, तो और कभी क्वेश्चन अगर इफ लगा हुआ हो क्वेश्चन में थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़ा देर के छोड़ने का मतलब क्यों, क्योंकि फिर हमको चेंज करना, पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको निकाल लेते हैं। 10 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, 11 फिर हम लौटेंगे उस पर। 11 क्या देखे, व्हिच रिप्रेजेंट द थ्री इन कॉमर्स डिसिप्लिन। तीन कॉमर्स वाले के बारे में कौन बता रहा है, तीन कॉमर्स कौन हुआ, जे सी एच, जे सी एच, जे सी एच है। ऑप्शन नंबर कौन है, ए। 12, इन व्हिच कॉलेज डू थ्री ऑफ देम स्टडी, किस कॉलेज में तीन लोग पकड़ रहे हैं, तीन लोग किस कॉलेज में है, क्यू कॉलेज में ना। आंसर 12 का ए। व्हिच रिप्रेजेंट द थ्री बॉयज, तीन बॉयज के बारे में कौन बता रहा है, एक डी है एक एफ है, इन दोनों में कौन बॉयज होगा पता नहीं आता। डी एफ जे हो सकता है या डी एफ सी हो सकता है, एक से ज्यादा पॉसिबल को ही कांट बी डिटरमाइंड या डाटा इंडिकेट बोलते हैं। कांट बी डिटरमाइंड मतलब कह नहीं सकते हैं, डाटा इंडिकेट मतलब जो स्टेटमेंट जो दिया गया है इट इज नॉट द सफिशियंट टू गिव द आंसर, मतलब वो सफिशियंट नहीं है क्या देने के लिए, आंसर देने के लिए। तो देखिए आंसर में 13 का आंसर देखिएगा, डी आंसर लिखा डाटा इंडिकेट, तो आंसर हो गया डी। अब आपके दिमाग में आया होगा 10 नंबर आप क्वेश्चन को छोड़े हुए थे, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। If C and B interchange their college, C और B interchange करेगा तो C यहां आ जाएगा और B यहां आ जाएगा। C and B interchange their college, certifying all other condition, which will be definitely represented the girls। कहता है कि certifying all other condition, all other condition समझे ना, हर एक कॉलेज में कम से कम एक और मेल और एक फीमेल होगा। तो कहता है which will be definitely represented the girls, कौन निश्चित रूप से गर्ल्स के बारे में बता रहा है, कौन कौन गर्ल्स है। तो आपको अच्छी तरह पता है हर एक कॉलेज में एक मेल फीमेल होगा, ये मेल हो गया तो क्या हुआ फीमेल, ये बी यहाँ फीमेल था ये फीमेल आया, यहाँ क्या हो गया मेल। तो गर्ल्स के बारे में क्लियर हो गया, कौन कौन गर्ल्स हैं, सी एच जी और बी। कौन कौन गर्ल्स है, सी एच जी बी। ऑप्शन में देखिए सी एच जी बी, कोई ऑप्शन में नहीं है, ऐसा क्या होगा नन ऑफ दिस। 10 का ये आपका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट इसी पजल टेस्ट में एक नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा हल्का कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपका ये मैथ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप थोड़ा प्लीज यहाँ पे देखने का आदत डालेंगे क्वेश्चन क्या करा है। देखिए 5 कोर्सेज ए बी सी डी ई ईच ऑफ 1 month, ड्यूरेशन आर टू बी टॉट फ्रॉम जनवरी टू मे, वन आफ्टर द अदर, दो नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर्स। कहता ए बी सी डी 5 आपके पास कोर्सेज है जो ईच ऑफ 1 month ड्यूरेशन आर टू बी टॉट फ्रॉम जनवरी टू में, अलग अलग मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह मंथ में पढ़ाया जाता है। वन आफ्टर द अदर, दो नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में नहीं होगा, ऐसा मन नहीं मान समझिएगा, ए बी सी डी लिखा उसी ऑर्डर में, जनरली ऐसा होगा तो फिर क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। और कह रहा है उसके बाद सेम ऑर्डर बाई लेक्चर्स पी क्यू आर एस टी। कहता जो वो 5 जो कोर्स है वो अलग अलग लेक्चर के द्वारा लेक्चर्स के द्वारा किया जाता है, क्या नाम है, पी क्यू आर एस टी, पी टीचर कोर्स भी एंड सोन एंड सोन। तो आपको क्या है जनवरी टू मई, ये मंथ आपके पास जनवरी टू मई है, ठीक है। तो देखिए जनवरी पहले मंथ लिख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई,
ये मंथ है। आपको अच्छी तरह पता है यहां कोर्स का नाम लिख देते हैं और यहां लेक्चर्स, लेक्चर्स देखिए लेक्चर्स कोर्स जो आपके पास है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ए बी सी डी ई। मैंने बताया ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, मैट 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये कितना, ये मैट आप जानते हो एमबीए के लिए एग्जाम होती है, मैनेजमेंट जो आपके पास एग्जाम होती है वो एमबीए के लिए होती है, एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। देखिए उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेक्चर्स का आपके पास आ गया पी क्यू आर एस टी। आप देखेंगे नीचे पी टीचर कोर्स भी बट नॉट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, पी टीचर कोर्स भी, ये क्या पढ़ा रहा है भाई, पी टीचर कोर्स भी, ओके पी टीचर कोर्स भी, ओके कोर्स भी बट नॉट इन द मंथ अप्रैल और मई, पी टीचर कोर्स भी, पी जो है कोर्स भी पढ़ा रहा है लेकिन कौन सा मंथ में नहीं भाई, अप्रैल और मई में नहीं, अप्रैल और मई में नहीं। देखिए एक कोड डाल दिया, अप्रैल मई को काट दिए, मतलब पी कोर्स भी पढ़ाएगा बट कौन सा मंथ में नहीं, अप्रैल और मई में नहीं। अब देखिए अप्रैल मई में नहीं पढ़ाएगा तो इन तीनों में से किसी मंथ में पढ़ाएगा, पता नहीं कौन सा मंथ होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्यू टीचर कोर्स ए इन द मंथ ऑफ मार्च, क्यू टीचर कोर्स ए इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च है क्यू टीचर कोर्स ए, कोर्स ए हो गया इन द मंथ ऑफ मार्च, यहां डायरेक्ट इंफॉर्मेशन था इसलिए यहां लिख दिए, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उसके बगल में लिख दिए। नेक्स्ट भले पढ़ते एक ही रीडिंग में क्वेश्चन को बनाना, पढ़ते चला जाना है क्वेश्चन को सॉल्व, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा सेकंड टाइम्स, ये खास चीज जिससे 2 से 2.5 मिनट में हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। और ये मत समझिएगा 5 अभी 6-7 मिनट लगेगा, जब जैसे ही आप बनाएंगे ना क्वेश्चन तो 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आर टीचर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी बट डजंट टीच कोर्स सी और डी, आर मंथ पे किसमें जनवरी में, लेकिन कौन सा कोर्स नहीं करता है सी और डी, आर मंथ जनवरी में, आर यहां जनवरी में कौन सा कोर्स नहीं होगा सी और डी नहीं होगा, सी और डी नहीं, सी और डी नहीं होगा। ओके अब थोड़ा देखेंगे आप क्यू ए हो गया आर जनवरी, सी और डी नहीं होगा, पी बी लेगा और कौन सा मंथ नहीं है, अप्रैल और मई नहीं होगा, पी अप्रैल और मई में नहीं होगा तो किस में होगा फरवरी में, अप्रैल और मई नहीं होगा तो किस में होगा फरवरी में, पी यहां पे क्या है बी। ओके अब देखिए अप्रैल मई में नहीं किया तो आपने कहा फरवरी ले लिया, अब देखिए क्या क्या निकल गया, बी और ए निकल गया, सी और डी लेगा नहीं है, सी और डी नहीं लेगा तो क्या लेगा ई, तो यहां ई आ गया। अब देखिए सी डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, सी और डी में से कोई भी आ सकता है डी और सी, यहाँ क्या क्या निकला आर पी क्यू, आर पी क्यू क्या बचा एस और टी, इन्फॉर्मेशन खत्म हो चुका है एस टी और टी एस, ये ऑब्लिक डाल दिया, मतलब अप्रैल में कौन होगा एस और टी में से कोई होगा, अप्रैल में कौन सा कोर्स होगा सी और डी में से कोई होगा। अब आइए क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच कोर्स इज टॉट बाय एस, एस के द्वारा कौन सा कोर्स पढ़ाया, व्हिच का देखें 14 व्हिच कोर्स इज टॉट बाय एस, एस के द्वारा कौन सा कोर्स है, कौन सा होगा एस के द्वारा भाई सी और डी में से कोई भी, तो आंसर सी और डी कौन होगा 14 का, आंसर सी, सी 15 व्हिच लेक्चर्स कोर्स इमीडिएटली फॉलोज आफ्टर कोर्स बी, इमीडिएटली मतलब तुरंत, कौन सा लेक्चर है जो इमीडिएटली फॉलोज आफ्टर कोर्स बी, कोर्स बी के जस्ट बाद, ठीक है कोर्स बी के जस्ट बाद कौन है भाई ए, इमीडिएटली फॉलो मर कोर्स बाय ए, ए कौन भाई कौन सा लेक्चर है क्यू, कौन है क्यू, तो क्यू जो ऑप्शन में है ए ऑप्शन है, 15 का आंसर ए, इमीडिएटली मतलब तुरंत, फॉलो मतलब बाद, व्हिच कोर्स इज टॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी, कौन सा कोर्स जनवरी में पढ़ाया जाता है, कौन सा कोर्स है ई, तो आपके पास 16 का सी, 16 क्वेश्चन का सी। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो टेबल ऑफ हम बेस्ट था, जो मैंने कहा था बेस्ट ऑन टेबल कहते हैं उस फर्स्ट टॉपिक, पजल टेस्ट में पहला टॉपिक मैंने बता दिया, इसमें अलग अलग टाइप का 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ओके नेक्स्ट इसी में टॉपिक मैंने बताया था सेकंड टॉपिक, उसका नाम था टीम सिलेक्शन, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट इसके बारे में देते हैं, सिलेक्शन हमेशा ध्यान करके सिलेक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन होता है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑप्शन होता है, बेस्ड ऑन कंडीशन बेस्ड ऑन ऑप्शन।
आप अच्छे से आप एग्जाम ही देते हैं तो सबका बैंक का आप बैंक पीओ का एग्जाम देंगे तो उसमें कंडीशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंडीशन अलग होता है, आईबीपीएस का एग्जाम देंगे उसकी कंडीशन अलग होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंडीशन अलग होता है, सबका कंडीशन अलग अलग होता है। आप जानते होंगे कि आईबीपीएस में जो लड़के लड़कियां जो क्रैक करते हैं और जो पीओ बनते हैं, आप एसबीआई पीओ में जो बनते होंगे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे एसबीआई आईबीपीएस पीओ में ज्वाइन करने के बाद, आईबीपीएस पीओ एग्जाम देने के बाद पंजाब नेशनल बैंक मान लीजिए ज्वाइन के कुछ दिन के बाद वो क्या करते हैं, एसबीआई पीओ हो गया तो रिजाइन देके एसबीआई पीओ में ज्वाइन कर लेते हैं, एसबीआई पीओ में हो गया तो रिजाइन दे, एसबीआई पीओ से अगर मान लीजिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो गया तो वो ज्वाइन करके रिजाइन दिए और फिर क्या किया आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, मतलब समझ में आया, मतलब उनके पास जो उस समय ऑप्शन होता है उस तरह से वो बैंक को चयन कर लिए, फिर उसे बेटर ऑप्शन मिला उसको क्या किए वो सिलेक्शन कर लिए। दूसरा मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूं जो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप जानते हैं क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर का सिलेक्शन होता है, 11 प्लेयर का मैदान में खिलाया जाता है, 15 प्लेयर का जो सिलेक्शन होता है वर्ल्ड कप जैसे चल रही है उस वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन 15 प्लेयर्स का चयन हुआ उसमें पहले क्राइटेरिया देखा जाता है कि कौन कौन लोग हैं जो बैटिंग में किसके अगेंस्ट कितना रन बनाए हैं, ठीक है, कौन सा बॉलर कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इस तरह उसकी कंडीशन होता है, अपना वर्ल्ड कप में आ गया ऐसे प्लेयर को कलर करें, उस तरह से फिल्टराइज करके उसे सामने आ जाता है। तो कंडीशन कौन बनाया, वर्ल्ड कप का जो चयन समिति का मेंबर है सिलेक्शन कमीशन का, उन्होंने एक अपना कंडीशन बना दिया कि भाई ऐसा व्यक्ति को सिलेक्शन करना है जो फास्टर बॉलर जो वर्ल्ड का है उसके अगेंस्ट जो हो वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाया हो, वो आसानी से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के पिच पे खेल पाए, ये अलग अलग कंडीशन होता है। उस कंडीशन के बाद उनका नाम चला गया, ये फिल्टराइज होता है। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन कमीशन का अपना कंडीशन होता है कि हमको ऐसे सिलेक्शन करना है। अब उन कंडीशन के अनुसार जो सबसे ज्यादा फुलफिल करता है उसका, उसके साथ हमारे कैप्टन विराट कोहली जी हैं तो उनसे ट्रेनिंग भी उसकी अच्छी होना चाहिए। विराट कोहली का अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उनसे पसंद नहीं कर रहा है तो फिर उनके टीम में नहीं रह सकता है। तो मैंने क्या बोला था, बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन ऑप्शन। आप कहीं बाहर घूमने के जाते हैं, आपको 5-स्टार होटल में रहने का है, लेकिन आप जब गए घूमने के, जूम कीजिए दिल्ली में आप गए, आपको होटल में ठहरना है और 5-स्टार होटल में एक भी रूम वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है। अब आपको रूम लेना है और आप या अब्रोड पे सोए या क्या करें 5-स्टार से नीचे वाले होटल में आप ठहरें, तो आपने क्या किया, फिर आपके पास 3-स्टार होटल का ऑप्शन हुआ, उसमें जाकर आप ठहरना चाहते, लेकिन आप ठहरते किसमें, 5-स्टार होटल में, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन नहीं था, 3-स्टार होटल ऑप्शन मिला, उसी में जो क्राइटेरिया मैक्सिमम फुलफिल किया उसको आपने क्या किया, सिलेक्शन किया। तो मैंने कहा था बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन ऑप्शन। कंडीशन क्या होगा, ले लेगा कि भाई विराट कोहली जी शिखर धवन को पसंद करते हैं, इसके बाद अंडरस्टूड है विराट कोहली अगर मैच में खेलेगा तो शिखर धवन खेलेगा, बोथ आर टुगेदर, इसे बोलते हैं बोथ आर टुगेदर, ओके। विराट कोहली एम नाम का प्लेयर को पसंद नहीं करता है, विराट कोहली जैसे ही खेलने के लिए आया ऑटोमेटिकली एम नाम का प्लेयर कहां हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ओके। तो सिलेक्शन मैंने कहा कंडीशन आपके पास दिया, कंडीशन में बेस्ड ऑन ऑप्शन जो होता है उसके बेस पर सिलेक्शन का, ये ऑलवेज जो बनता है बेस्ड ऑन द ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप इसीलिए देखते होंगे, आप भी किसी चीज को कहीं कपड़ा खरीदने के लिए आप जाते हैं, सोचिए यू कैन इमेजिन, तो आपके पास दुकान में 5-6 ऑप्शन आ जाता है, उसमें जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया आपका पूरा करता है उसको आप क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अलग अलग आदमी कोई डिस्टेंस का देखता है, कोई कहता है कि भाई क्वालिटी हमारा शॉप होना चाहिए, हम 5 किलोमीटर भी दूर जा सकते हैं, ये अलग अलग कंडीशन होती है, ओके। नेक्स्ट, इसी में हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और आप देखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं टीम सिलेक्शन क्वेश्चन का। इसमें जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इस अभी तक जो प्रेजेंट सिलेबस है वो कैट एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इस हमेशा आता है क्वेश्चन, सीमेट एग्जाम में, बैंकिंग में भी आ सकता है, एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, थोड़ा ये टफर होता है। इनका लेवल क्या होता है, आसान, एक ही लेवल का होता है, एसएससी थोड़ा आसान का एग्जाम होता है, बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन, ये क्लैट एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है इस टॉपिक को, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके। तो देखेंगे आप क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ टीम सिलेक्शन में कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा याद करके रखना है, आप भी लाइफ में कोई भी चीज सिलेक्शन करते हैं तो बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन ऑप्शन, ओके। आपके मन में कंडीशन बन जाता है, फिर आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा आपके अनुसार फुलफिल करता है उसको आप क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन 72-20 देखिए, 70 लेन फ्रैंक जोन कार्टे मैनुअल रोज सैम एंड थ्रेसा
आर एलिजिबल टू एंटर ए स्पेलिंग कॉन्टेस्ट, समझ में आए, सेवल चिल्ड्रेन है जो एलिजिबल है किसके लिए, स्पेलिंग कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए। फ्रॉम दिस सेवन टू टीम मस्ट बी फॉर्म, कितना टीम बनाना है, दो टीम, ए रेड टीम एंड अ ग्रीन टीम, एक रेड टीम है दूसरा कौन सा टीम है, ग्रीन टीम। इस टीम कॉन्सिस्टिंग ऑफ एग्जिटी थ्री ऑफ द चिल्ड्रेन, देखिए सेवन पर्सन है, प्रत्येक टीम में थ्री मेंबर होगा, थ्री मेंबर यहां पे, थ्री मेंबर यहां पे, थ्री थ्री कितना होगा, सिक्स। माने मान लीजिए एक रेड टीम है और एक खुद ही कर रहा है ग्रीन टीम, और कर रहा है इसमें भी थ्री मेंबर होगा, इसमें भी थ्री मेंबर होगा, तो थ्री थ्री कितना हुआ, सिक्स मेंबर, जबकि मेरे पास कितना है, सेवन मेंबर। इसका मतलब एक प्लेयर बाहर जाएगा, एक क्लियर हो गया, मतलब एक व्यक्ति को बाहर करेंगे, इसका मतलब सेवन पर्सन में सिक्स का सिलेक्शन होगा, एक बाहर। जैसे इंडियन टीम में 15 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ, 11 प्लेयर को मैदान पे खिलाए थे, सर चार प्लेयर बाहर जाएगा, ओके तो इसका कौन जाएगा वो छोड़िए, लेकिन एक चार 11 प्लेयर ही खेलेगा, चार प्लेयर क्या होगा बाहर, सेम चीज यहां है, सेवन पर्सन है उसमें से आपको सिक्स पर्सन का सिलेक्शन करना है, एक व्यक्ति क्या होगा बाहर जाएगा। आइए सेवन चिल्ड्रेन में फ्रैंक, जोन, कार्टे, मैनुअल, रोज, सैम, थ्रेसर, ये आपके पास आ गया सेवन। नेक्स्ट क्या है देखें, नो चाइल्ड कैन बी सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन टीम, कहता नो चाइल्ड कैन बी सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन टीम, एक से ज्यादा टीम में किसी चाइल्ड का सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब एक चाइल्ड का यहां सिलेक्शन हुआ इसमें नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन हुआ इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, टीम सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, ध्यान देंगे कुछ कंडीशन दिया है उसको देखिएगा, टीम सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट क्या है भाई कंडीशन, इफ मैनुअल इज ऑन द रेड टीम कार्टे मस्ट बी सिलेक्टेड द ग्रीन टीम, ध्यान देंगे, कहता मैनुअल रेड टीम में आएगा, ध्यान देंगे मैनुअल अगर रेड टीम में आएगा तो कार्टे का अगर सिलेक्शन होगा तो किस टीम में होगा, ग्रीन टीम। मैनुअल अगर रेड टीम में आता है कार्टे का सिलेक्शन होगा ग्रीन टीम में, मतलब मैनुअल यहां दिखाई पड़ा तो कार्टे ऑटोमेटिकली यहां आएगा, मैनुअल रेड टीम में आया तो कार्टे यहां आना पड़ेगा ग्रीन टीम में, बट ये कंडीशन है, लेकिन मैनुअल अगर ग्रीन टीम में आएगा इसका मतलब ये हुआ मैनुअल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, मैनुअल ग्रीन टीम में आएगा तो कार्टे ग्रीन टीम में भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, बट मैनुअल अगर रेड टीम में आ गया तो कार्टे ग्रीन टीम में आना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, स्टेटमेंट का मतलब बहुत जरूरी है समझना क्या कह रहा है, ठीक है, फ्रैंक इज ऑन द रेड टीम, रोज इफ सिलेक्टेड मस्ट बी ऑन द ग्रीन टीम, फ्रैंक अगर रेड टीम में आएगा, रोज का इफ, इफ मतलब अगर होता है तो किस टीम में, ग्रीन टीम में, मतलब कह रहा है फ्रैंक अगर रेड टीम में आएगा तो रोज का अगर सिलेक्शन होगा तो ग्रीन टीम में होगा, नहीं तो कहां जाएगा, बाहर, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है सेवन में से सिक्स पर्सन का ही सिलेक्शन होगा, एक पर्सन बाहर आ जाएगा, तो फ्रैंक अगर रेड टीम में आ गया तो रोज यहां आएगा तो आ सकता है नहीं तो बाहर जाएगा, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब है मैनुअल अगर रेड टीम में आएगा तो कार्टे को ग्रीन टीम में आना होगा, तो मैंने कहा फ्रैंक अगर ग्रीन टीम में आए तो रोज ग्रीन टीम में भी जा सकता है और रेड टीम में भी आ सकता है या बाहर भी जा सकता है, लेकिन फ्रैंक अगर रेड टीम में आ गया तो रोज ग्रीन टीम में आएगा नहीं तो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। थर्ड कंडीशन, रोज कांट बी ऑन द सेम टीम एज सैम, मतलब रोज उस टीम में कभी नहीं आ सकता है जिस टीम में कौन रहेगा, सैम रहेगा, मतलब रोज अगर रेड टीम में दिखाई पड़ा तो सैम कभी भी रेड टीम में नहीं आ सकता है, रोज अगर ग्रीन टीम में दिखाई पड़ा तो सैम कभी भी ग्रीन टीम में नहीं आ सकता, रोज और सैम सेम टीम में नहीं आ सकता है। थर्ड फोर्थ कंडीशन, जॉन कांट बी द सेम टीम एज कार्टे, जॉन कभी भी उस टीम में नहीं हो सकता है जिस टीम में कौन होगा, कार्टे होगा, जॉन इस टीम में आएगा तो कार्टे आएगा तो इस टीम में आएगा, जॉन यहां आएगा तो कार्टे यहां आएगा, जॉन और कार्टे सेम टीम में नहीं कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, अब क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार होंगे, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी को आप 17 दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नीचे बनाते हैं, 17 देखिए, 17 फ्यूचर द फॉलोइंग कैन बी थ्री मेंबर ऑफ द रेड टीम, रेड टीम का मेंबर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, हम ऑप्शन आपके सामने लाते हैं जो आपके समझने में आसान होगा, क्वेश्चन 17 रेड टीम का कौन मेंबर हो सकता है, ए ऑप्शन है फ्रैंक, जोन, काटे, बी ऑप्शन है फ्रैंक, रोज, थ्रेसा, सी ऑप्शन है जोन, काटे, थ्रेसा, रोज। एक बार रिपीट कर रहे हैं मैं, देखिए
आपने 70 देखा, ए फ्रैंक जॉन काटे, बी फ्रैंक रोज थैसा, सी जॉन काटे थैसा और डी ऑप्शन काटे मैनुअल रोज। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेंबर ऑफ रेड टीम। किसका मेंबर करना है भाई? रेड टीम का, रेड टीम का मेंबर करना है। ये सभी ऑप्शन किसका मेंबर है? रेड टीम का, क्योंकि 17 क्वेश्चन का रहा, रेड टीम का कौन मेंबर हो सकता है? अब ऑप्शन से बनाइए, यहां फ्रैंक जॉन काटे, ये तीनों मेंबर किसका है? रेड टीम का। जॉन किसके साथ कभी नहीं होगा? काटे के साथ कभी नहीं होगा। जॉन काटे किस टीम में होगा? सेम टीम में होगा। ये सेम टीम में नहीं हो सकता, इसलिए गलत, क्योंकि जॉन और काटे सेम टीम में लिखा हुआ, सेम टीम में कभी नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया? गलत। देखिएगा नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है फ्रैंक रोज थैसा, फ्रैंक रोज थैसा। आप जानते हैं अच्छी तरह से, फ्रैंक रेड टीम में आएगा तो रोज अगर आएगा तो ग्रीन टीम में आएगा, नहीं तो बाहर जाएगा। फ्रैंक रेड टीम में आएगा तो रोज आएगा तो ग्रीन टीम आएगा, बाहर जाएगा। और आप रेड टीम का मेंबर निकाल रहे हैं तो फ्रैंक रेड टीम में है ना, तो रोज कभी भी रेड टीम में नहीं आ सकता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। देखिए गौर करेंगे, सी ऑप्शन जॉन काटे लिखा, जॉन काटे कभी भी सेम टीम में नहीं हो सकता, इसलिए गलत। जॉन काटे सेम टीम में नहीं हो सकता, गलत। तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा? सही। ओके, काटे मैनुअल रोज, ये डी ऑप्शन क्या हो गया? सही। ऐसे ही थ्री ऑप्शन गलत हो गया, ऑटोमेटिकली एक फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? सही, सी ऑप्शन से काटे थे, जॉन काटे सेम टीम में नहीं होगा, बी ऑप्शन से काटे फ्रैंक रोज रेड टीम में, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, और ए ऑप्शन इसलिए काटे कि जॉन काटे सेम टीम में नहीं आएगा, जबकि दोनों सेम टीम में आ रहा था। सेम टीम मतलब ये रेड टीम का मेंबर है। आइए 17 क्वेश्चन बन गया आपका, आंसर कौन हुआ? डी, क्वेश्चन नंबर 18। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन उसका। बोथ मैनुअल एंड फ्रैंक आर ऑन द रेड टीम, द ग्रीन टीम कैन कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैनुअल फ्रैंक रेड टीम होगा, तो देखिए एक रेड टीम है और कौन टीम है? ओके, मैनुअल फ्रैंक रेड टीम, तो मैनुअल यहां आ गया और कौन आ गया? फ्रैंक। बोथ मैनुअल एंड फ्रैंक आर रेड टीम, द ग्रीन टीम कैन कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन टीम में कौन आ सकता है? मैनुअल फ्रैंक रेड टीम में जैसे ही आएगा, मैनुअल फ्रैंक रेड टीम आएगा तो कंडीशन कुछ देखिए, यहां पे कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? मैनुअल रेड टीम में आएगा तो काटे को किस टीम में आना होगा? ग्रीन टीम में। तो काटे कंफर्म हो गया ग्रीन टीम में। ओके, अब देखिए फ्रैंक यहां आया, रोज यहां आ भी सकता और नहीं भी, रोज यहां आ भी सकता और नहीं भी, रोज इफ लगा हो ना, रोज यहां आ भी सकता और नहीं भी, इफ लगा हुआ है। रोज आएगा तो यहां आएगा, नहीं तो बाहर जाएगा। तो कौन आ सकता? मैंने कहा पहले आप ऑप्शन को अपने सामने ले आइए, ऑप्शन जॉन काटे रोज, बी ऑप्शन काटे रोज सैम, सी ऑप्शन जॉन सैम थैसा, डी ऑप्शन काटे रोज थैसा, बी ऑप्शन रोज सैम। ये आपके पास आ गया। अब देखिए कुछ कुछ कंफर्म हो गया था, कुछ ऑप्शन से बनाएंगे। कंफर्म आपके पास हो चुका है कि मैनुअल और फ्रैंक रेड टीम में है, तो काटे किस टीम में आएगा? ग्रीन टीम में। रोज अगर आना चाहेगा तो ग्रीन टीम में आएगा, नहीं तो बाहर जाएगा। तो कहता ग्रीन टीम में कौन मेंबर? 18 में क्वेश्चन में कह रहा था द ग्रीन टीम कैन कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन टीम में कौन आ सकता है? ग्रीन टीम में कौन आ सकता है? इस टीम में। तो काटे कंफर्म, काटे आएगा ही, काटे आएगा ही, काटे इसमें नहीं इसे गलत, काटे इसमें चलेगा, काटे इसमें नहीं गलत। तो सी और ई ऑप्शन किसे काटे? काटे नहीं। अब आइए काटे किसके साथ नहीं रहेगा भाई? तो काटे आपके पास जोन के साथ कभी नहीं रहेगा। काटे किसके साथ नहीं रहेगा? जोन के साथ। काटे आ गया तो जोन आ गया, जोन तो कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि जोन और काटे सेम टीम में नहीं आएगा। अब बचा कौन ऑप्शन आपके पास? बी और डी। रोज किसके साथ नहीं रहेगा? रोज को यहां देखे, रोज किसके साथ नहीं रहेगा? सैम के साथ। रोज और सैम लिख दिया रहता, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। रोज सैम के साथ नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली सभी ऑप्शन गलत हुआ, इसलिए कौन सा आंसर सही हुआ? डी। तो आंसर इसका क्या हुआ? डी। देखिए तो मैंने कहा ये इसलिए ऑप्शन काटे कि काटे यहां पे था, काटे किसके साथ नहीं रहेगा? जोन के साथ, जोन था इसलिए गलत हो गया। काटे कंफर्म है, रोज और सैम सेम टीम में नहीं हो सकता है, गलत। जोन और देखिए जोन यहां डाले सैम था, लेकिन काटे यहां आना चाहिए, काटे नहीं है, इसे काटे एक, चार ऑप्शन गलत हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट 18 के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, 19 नंबर क्वेश्चन देखें, 19 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 19।
If manual is on the red team, which of the following, if selected, must also be on the red team? A manual red team, एक red team है और एक कौन है? Green team. Manual किस team में आ गया? Red team. Manual red team है. Which of the following must be if selected must also be red team? कहता if selected, if selected. तो कहता किस team में आएगा? रेड टीम आएगा. कौन होगा भाई बताओ. अब देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन है फ्रैंक, मैं पहले बता चुका हूं ये ऑप्शन के अनुसार बनेगा. बी ऑप्शन जॉन है, सी ऑप्शन रोज है, डी ऑप्शन सैम है और ई थ्रेसा है. देखिए टीम सिलेक्शन पहले ही बता चुका है, बाय ऑप्शन बनता है. मैनुअल रेड टीम में होगा तो कार्टिक किस टीम में आएगा? ग्रीन टीम में. कार्टिक कंफर्म. और काटे किसके साथ नहीं रहेगा भाई? जोन के साथ. काटे किसके साथ नहीं रहेगा? जोन के साथ. तो काटे होगा, जोन कभी भी ग्रीन टीम में नहीं आएगा. जोन आएगा तो किस टीम में आएगा? रेड टीम में. जोन कभी भी ग्रीन टीम में नहीं आएगा. जोन आएगा तो किस टीम में आएगा? रेड टीम में. और इफ सेलेक्टेड क्या करा है? इफ. तो काटे जोन के साथ नहीं, जोन का अगर सिलेक्शन होगा तो रेड टीम में होगा, क्योंकि जोन सिलेक्शन होगा रेड टीम में आएगा, नहीं तो बाहर जाएगा. काटे जोन के साथ नहीं रहता है. तो कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ सेलेक्टेड मस्ट ऑल्सो बी रेड टीम, वो किस टीम में आएगा? रेड टीम में आएगा. तो कौन होगा भाई? ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि काटे जोन के साथ नहीं रहेगा, तो जोन कभी इस टीम में नहीं, जोन का अगर सिलेक्शन होगा तो किस टीम में होगा? रेड टीम में. आंसर कौन हुआ? डी जोन आंसर हो गया. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि फ्रैंक इज सिलेक्टेड फॉर द रेड टीम, थ्रेसा इज नॉट सिलेक्टेड फॉर इधर टीम. मतलब 7 पर्सन है, उसे एक आदमी बाहर हो गया. कौन? थ्रेसा. थ्रेसा देखिए पढ़िए आप. थ्रेसा इज नॉट सिलेक्टेड फॉर इधर टीम. थ्रेसा किसी भी टीम में सिलेक्शन नहीं होगा, तो 7 पर्सन में से 1 पर्सन बाहर हो गया, तो 6 पर्सन तो अब सिलेक्शन होगा. तो 6 का 6 पर्सन सिलेक्शन होगा थ्रेसा का छोड़ के, क्योंकि 7 पर्सन में एक आदमी को बाहर हो गया. किशन ने लिखा हुआ है थ्रेसा को बाहर कर दिया. तो एक रेड टीम है, थ्रेसा कहां चला गया? बाहर. थ्रेसा का सिलेक्शन करना ही नहीं, किशन ने लिख दिया थ्रेसा नहीं सिलेक्शन. एक रेड टीम है और एक कौन है? ग्रीन टीम. फ्रैंक इज सिलेक्टेड फॉर द रेड टीम, फ्रैंक का सिलेक्शन रेड टीम हो गया. फ्रैंक जैसे रेड टीम आएगा तो फ्रैंक आएगा तो रोज किस में आएगा? ग्रीन टीम में. अब रोज आएगा, क्यों बोल रहे हैं? आ सकता नहीं, आएगा. क्यों आएगा? क्यों? थ्रेसा बाहर चल चुका है, तो 7 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति का सिलेक्शन करना होगा. रोज आ गया, रोज किसके साथ नहीं होगा? सैम के साथ. सैम यहां आएगा, इतना कंफर्म हो गया. अब आगे फ्रैंक इज सिलेक्टेड फॉर द रेड टीम, थ्रेसा इज नॉट सिलेक्टेड फॉर इधर टीम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ मेंबर ऑफ द ग्रीन टीम. कौन ग्रीन टीम का मेंबर नहीं हो सकता? इस टीम का कभी भी सैम नहीं हो सकता है. ग्रीन टीम का मेंबर सैम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? सैम रोज के साथ नहीं रहेगा. तो देखिए सैम कभी ग्रीन टीम का मेंबर नहीं हो सकता है. तो ऑप्शन में सैम कौन सा ऑप्शन है? ई. कौन सा ऑप्शन है? ई. आंसर हो गया इसका ई ऑप्शन. सैम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल चुका था. ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट बन गया. तो ये क्वेश्चन जो आपका था टीम सर्विस में, इसे इसी टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है. आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. आप लोगों को 2 टॉपिक पजल टेस्ट में हम खत्म कर चुके हैं आपको, टेबलर फॉर्म और टीम सिलेक्शंस. नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें ब्लड डोनेशन और सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग यूज करेंगे, और उसके बारे में बताएंगे ब्लड डोनेशन में कैसे आप किसी क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में आप क्वेश्चन को या 30 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेते हैं. सीटिंग अरेंजमेंट किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आप जल्दी बना सकते हैं, कैसे कॉम्प्लिकेटेड सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 मिनट में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. ओके, थैंक यू.